हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। यू वॉचिंग शीतल रावत ऑन स्कॉप्स एज। आज मेरा वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, बट मैं सोचा बना लेते हैं। सैटरडे को ऑफ होता है और मुझे आउटिंग करनी नहीं थी, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना लेते हैं फॉर माई एंटरटेनमेंट। तो मैं वीडियो बना रही हूँ गाइज। और गाइज एक बार और, बैकग्राउंड में जो भी बैकग्राउंड में जो भी नॉइज आ रही होगी, प्लीज़ उसे इग्नोर करना, बिकॉज दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल। सो बियॉन्ड माई कंट्रोल, तो इसलिए इग्नोर कर देना। क्या बोल रही हूँ आज। बात करते हैं मेरे लास्ट वीडियो के बारे में। सबसे पहले, लास्ट वीडियो मैंने निकाले थे राखी रक्षाबंधन के सूट के ऊपर, जो कि एक मिंत्रा का था एंड एक मीशो का था। तो आई होप आपको दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, क्योंकि दोनों वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड अफोर्डेबल सूट है। और आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी है। आई मस्ट से, अगर आप भी वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे कि ये तो सच में बहुत प्रिटी सूट है एंड अफोर्डेबल भी है। एंड गाइज, मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ, यू नो स्नैपशॉट्स मैं दे देती हूँ आपको। मेरा जो वीडियो होने वाला है, ये थोड़ा यूनिक होने वाला है इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने बाई किए हैं अफोर्डेबल क्रॉक्स। यू नो गाइज, क्रॉक्स आर सो ट्रेंडी इन द वर्ल्ड, आई वुड से। ठीक है, तो मैंने मीशो से थोड़े बहुत, मतलब लाइक एक ऑर्डर किया है, और थोड़े बहुत लाइक सिमिलर टू क्रॉक्स है गाइज, वो मैंने ऑर्डर किया है। और सारे के सारे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, अंडर 300। यू विल डेफिनेटली लाइक इट, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो गाइज, सबके बारे में आपको एक करके बताऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो द फर्स्ट आइटम इज इन कॉमन कलर, लाइक वाइट कलर। वाइट कलर बहुत कॉमन है, हर किसी के साथ चल जाता है, वेदर इट्स कैजुअल, फॉर्मल और इनफॉर्मल आई वुड से। तो मैं दिखा देती हूँ आपको अपना फर्स्ट आइटम। तो गाइज, ये रहे मेरे क्रॉक्स इन वाइट कलर। These are in, oh, उल्टा हो गया, कैसे गए ऐसे। सीरे कितने क्यूट है ना, इन वाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। ऊपर से मुझे ना लाइक आजकल बेसिक भी बहुत चल रहा है, लाइक ये सब नहीं है, जो प्रिटी प्रिटी चीज़ें रखे इसमें, ये सब नहीं है, बट लाइक सिंपल क्रॉक्स भी चल रहे हैं। बट मैंने ये प्रेफर किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट वाइब दे रहे थे। इसे आप पिकनिक पे लेके जा सकते हो, बीच को लेके जा सकते हो, बहुत क्यूट लगेगा। इसका जो मटेरियल है EVA मटेरियल। अब आप बोलोगे EVA मटेरियल क्या होता है। EVA जो मटेरियल होता है वो होता है सॉफ्ट रबर, जो कि होता है बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल एंड ड्यूरेबल। इट इज़ रियली कम्फर्टेबल, मैंने वेयर किया था, तो आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। इट इज़ रियली कम्फर्टेबल, ईजी टू वेयर एंड सॉफ्ट, एंड आई वुड से ड्यूरेबल एज वेल। The good thing about the Crocs is it's very comfortable, easy to wear, durable, lightweight, and you know you can wear it anytime. और सबसे अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा trendy है। Earlier I used to not like these because of these you know weird clocks. मतलब मेरे को पसंद नहीं थे पहले, but मैंने तब देखा ये trend में चल रहे हैं तो मुझे भी पसंद आ गया और मैंने भी buy कर लिए। तो I'm gonna definitely keep it. Price मैं आपको बता देती हूँ इसका कितना है। इसका प्राइस है 269 में, और 269 में अगर आपको इतने अच्छे क्रॉक्स मिल रहे तो why wouldn't you buy? मैं ओरिजिनल क्रॉक्स नहीं प्रेफर करूंगी, यही क्रॉक्स प्रेफर करूंगी कि अफोर्डेबल भी है एंड ड्यूरेबल भी है। लेट्स स्वाइप टू द नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम इज दिस, लेट्स सी व्हाट्स इन दिस बॉक्स। वी हैव फ्लैट्स एंड दैट इज प्रीटी क्यूट। ओ सॉरी, वेट लाइक दिस। या देखो कितने क्यूट लग रहे हैं यार, मुझे कितने क्यूट लग रहे हैं। आई रियली लव्ड इट। मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी अच्छी आ जाएगी, बट इट्स रियली प्रिटी। यू कैन सी द फ्लावर इन बिटवीन, ओ माय गॉड। मैं इसे कहीं भी, इसकी क्वालिटी, ओ माय गॉड, इसकी जो क्वालिटी थिकनेस है इसकी बॉटम से, इट्स रियली अमेजिंग। मेरे को लगा होंगे पतले से ये। वो आपको याद है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा लास्ट वाला, तो मैंने अपनी फेवरेट फ्लैट दिखाई थी आपको, जिसके जो सेम ऐसी थी बट फ्लावर नहीं था, और ये जो था ना स्ट्रैप वो उसका शाइनी था। एंड आई वाज केप्ट सेइंग कि इट्स माय फेवरेट फ्लैट, बट उसका जो बॉटम था वो इतना अच्छा, मतलब लाइक इतना स्ट्रांग नहीं था। उसका जो सोल कहेंगे या सोल, उसका सोल था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, बट इसका सोल काफ़ी स्ट्रांग है, थिक है काफ़ी। तो आई थिंक ये ड्यूरेबल है बहुत ज़्यादा। एंड गाइज, इसकी क्वालिटी से मुझे लग रहा है ये काफ़ी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, एंड आप इसको कहीं भी पहन के जा सकते हो। ऑब्वियसली वाइट कलर है और इतना प्रिटी है, तो आप इसे बीच पे भी पहन के जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। मेक श्योर ऐसी ड्रेस पहनना जो इसके साथ जाए, लाइक इन वाइट कलर और यू नो फ्लोरी ड्रेस, तो इट विल लुक मोर प्रिटी विद दैट।
तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आई एंड इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। इसका प्राइस है 253 एंड 253 में इतनी क्यूट फ्लैग्स मिल रही है तो आई एम डेफिनेटली गोना कीप इट, नो डाउट। मैं जनरली फ्लैग्स ले बाय करती हूँ क्योंकि मैं कहीं भी वॉक कर सकती हूँ, लाइक बम्पी रोड हो, प्लेन रोड हो, इंक्लाइनेशन हो, मतलब कहीं भी, यू नो इट्स वेरी कम्फर्टेबल एंड स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है क्योंकि इट्स फ्लैट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम। ऑलराइट गाइस, इट हैज अ थर्ड बॉक्स, लेट्स सी व्हाट्स देयर। आई ऑर्डर्ड सेम थिंग इन ब्लैक कलर एज वेल। ये देखो, ये रहा ब्लैक कलर इसका, मैं आपको सीधा करके दिखा सकती हूँ। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे कॉमेंट में बताना, ठीक है? आप मुझे बताना कॉमेंट में कि आपको व्हाइट अच्छा लग रहा है या ब्लैक अच्छा लग रहा है, ठीक है? मुझे तो पर्सनली लाइक व्हाइट इज माई फेवरेट कलर, सो ऑब्वियसली आई लाइक व्हाइट वन। इफ आई टॉक अबाउट दिस, क्वालिटी इज सेम, सोल इसका थिक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ड्यूरेबल है एंड ब्यूटीफुल तो है, बस कलर डिफरेंस है। तो गाइज इसका तो सेम रिव्यू होगा, तो आप मुझे कॉमेंट में बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। लेट्स मूव टू द एक्चुअल नेक्स्ट आइटम। ओके, अनदर फ्लैश। मुझे ना पेज कलर में फ्लैश चाहिए थी तो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने मीशो पे ये देखी तो मुझे काफ़ी सही लगी एंड दिखा देती पहले मैं आपको। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड यहाँ पे बीच में ये बो टाइप का स्टाइल दिया हुआ है विच आई लाइक इन द फोटो। अभी तो थोड़ा अजीब दिख रहा है, पहनने पे पता चलेगा हाउ इट्स एक्चुअली लुकिंग ऑन माई फीट। राइट गाइज, मैंने इसे पहन लिया था बट ये मेरी फीट पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज ऑफ दिस बो। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, मुझे लगा थोड़ा सा स्मॉल होगी तो आई थिंक इट वुड हैव बीन लुक प्रिटियर, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट लुकिंग गुड ऑन माई फीट। गाइज आप भी ट्राई करके देखना एक बार ऑर्डर करके कि आपके फीट पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिकॉज मेरे फीट पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको प्राइस बता देती हूँ इसका, इसका प्राइस अभी मुझे मिल नहीं रहा, आपको स्क्रीन पे शो जाएगा कि कितने का है। एंड अगर मैं इसकी सोल की बात करूँ तो हाँ, ये काफ़ी सॉफ्ट है आई वुड से एंड जो इसका सोल है वो भी यहाँ पे थिकनेस प्रोवाइड की गई है तो स्टेबिलिटी तो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगा। तो गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, ये आ गए पिंक क्रॉक्स। अरे यार मैंने क्या हूँ, ऑर्डर करते टाइम देखती ही नहीं हूँ कि मतलब सेम आइटम मंगवा रही हूँ, एक दूसरे कलर में मंगा रही थी, दैट्स माई प्रॉब्लम यू नो। ये है इन पिंक कलर क्रॉक्स, ये देखो। अब मुझे कॉमेंट में बताना आपको ये वाले प्यारे लग रहे हैं या वाइट वाले। मुझे ये वाले ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, लग गई मुझे ये वाले ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। वाइट तो मेरा फेवरेट कलर है बट इट डजंट मीन आई विल लाइक एवरीथिंग इन वाइट, आई कैन लाइक पिंक एज वेल, है ना? आपको जो पसंद आया वो बाय कर लेना, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। ओके नेक्स्ट पैकेज। यार आई डोंट हैव सीजर, तो मुझे ऐसे ही अपने हाथों को सीजर बनाना पड़ रहा है और मैं वही कर रही हूँ। इट्स इन लैवेंडर कलर। Oh my God, too much struggle, हाँ जो मुझसे कभी नहीं होगा। ओके गाइज, ये है स्लाइडर्स। देखो गाइज, देर आर यू नो वेरियस टाइप ऑफ स्लीपर्स, तो किसी को हम स्लाइडर कहते हैं, किसी को हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं एंड किसी को हम कहते हैं क्रॉक्स। ये लेवेंडर कलर में है, इट्स रियली प्रिटी। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई लव दिस। एक तो इसका जो कलर है इट्स वेरी प्रिटी लेवेंडर एंड ये जो बीच में बटरफ्लाई है ये यूनिकली डिजाइंड आई मस्ट से, यू नो इट्स मिनिमलिस्ट एंड यू नो येट स्टाइलिश आई वुड से। आप इसे कहीं भी वेयर कर सकते हो, लाइक इफ यू आर रनिंग एरेंड्स, शॉपिंग, हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड कैजुअल गैदरिंग्स, तो आप इसे एनी प्लेस पे वेयर कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर्मल थिंग। तो गाइज इट्स रियली प्रिटी इन लैवेंडर कलर, मोर ओवर इसके पास जो बीच में एक है बटरफ्लाई दैट इज प्रिटी क्यूट, तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ऊपर से कंफर्टेबल है, इजी टू वेयर है, इजी टू स्लाइड ऑन एंड ऑफ है, तो और ज़्यादा हमें क्या चाहिए, ठीक है? लाइफ में हमें कंफर्टेबल ही तो चाहिए जो कि हमें स्लीपर प्रोवाइड कर रही है एंड दैट इज़ रियली कूल। आप इसको ड्रेस के साथ भी वेयर कर सकते हो, डोंट फॉरगेट टू एक्सेसराइज, तो मेक श्योर आप जब भी इसे यू नो किसी के भी साथ पहन रहे हो तो अच्छे से पहनो, लाइक कूल दिखना चाहिए, कूल वाइब आनी चाहिए इससे, क्योंकि स्लीपर भी लाइक नॉट स्लीपर स्लाइड्स आई वुड से बहुत ज़्यादा कूल है। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम। आई मस्ट से इट्स वेरी यूनिक, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड फ्रॉम मीशो। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था आई वाज लाइक ओके मेरे पास होना चाहिए एंड आई शुड डेफिनेटली ऑर्डर दिस एंड आई ऑर्डर्ड एंड फाइनली इट इज विद मी एंड आई मस्ट से इट इज सेम एज इट वॉज लुकिंग इन पिक्चर। आई अप्रिशिएट मीशो इन दिस केस।
So 1, 2, 3 and ta-da! Okay, this is actually a flip flop which I really wanted. You know, sometimes I want to look taller because my height is 5.3, as I don't like it, but it's all right because of these sleeper and heels, you know. So guys, let's move on from this topic. Okay guys, ye rahe black color ke. Again, it's really pretty. And iska jo yahan pe material hai, jo iski sharpness hai, jo sharp kiya gaya hai har jagah se, iski shape kafi, you know, meticulously kaam kiya gaya hai ispe. And unique design laga mujhe ye. Iska jo sole hai, that is pretty solid. And I must say, unhone jis tarike se ise manufacture kiya hai, काफी अच्छे से किया है. आई लाइक इट. इसको भी आप कैजुअल गैदरिंग में वेयर कर सकते हो. ग्रोसरी के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, लाइक बाहर जा रहे हो थोड़ा 2-3 मिनट के लिए, तो ऑब्वियसली व्हाई वुड यू वेयर दैट. ठीक है, इतना क्यूट ऑल लगना है इतने से काम के लिए, है ना. कहीं भी अच्छी जगह जाओगे तो ऑब्वियसली यू वांट टू लुक गुड, वेदर इट्स कैजुअल गैदरिंग, है ना. तो आप ये वेयर कर सकते हो. इट्स रियली कंफर्टेबल एंड इट लुक्स नाइस, है ना. इट्स रियली इजी टू वॉक विद दिस. आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई विल रेकमेंड इट 100%. Let's move to the next item. Okay, another slides I would say, but ये थोड़ा like little bit is different and I like it. मैंने इसको इसीलिए order किया था. ये rainy season के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा. It is really perfect for rainy season. और आप इसको pair up करोगे किसी के साथ भी तो ये सबके साथ जाएगा. This is how it looks. मुझे बहुत ज़्यादा unique लगा. एंड सबसे इसकी जो मुझे अच्छी बात लगी, ये जो डिज़ाइन है ना इसका ग्रीन कलर में, लाइक ये इट इज़ इन बेज कलर एंड दिस इज़ इन ग्रीन कलर, दिस क्रॉस आई लाइक इट. इसकी वजह से मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुई थी इस चीज़ पे, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है. मैंने कभी ऐसा कोई डिज़ाइन देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो एंड रेनी सीजन के लिए इट्स वेरी परफेक्ट. ये हर आउटफिट के साथ चले जाएगा रेनी सीजन के, ठीक है. काफ़ी अच्छा लगा मुझे. इसका प्राइस मैं बता देती हूँ आपको. गाइस आप इसका प्राइस सुनोगे तो यू विल बी स्टन्ड. मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ. 127 है इसका प्राइस, जस्ट 127. एंड रेनी सीजन में आपको 127 में ऐसे स्लीपर मिल गया, तो बाय क्यों नहीं करोगे. ऑफकोर्स करोगे, राइट. इसे वेयर करके देखा है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल है, ड्यूरेबल है एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. और रेनी सीजन में आप इसे स्लिप नहीं होगे, स्टेबल रहोगे थ्रू दिस. ऑलराइट गाइस, मैं आपको बताना भूल गई थी कि इस हॉल में ओनली स्लीपर ही नहीं, थोड़ी बहुत इयरिंग्स भी होने वाली है. मैंने कुछ इयरिंग्स ऑर्डर किए हैं जो आप यू नो फॉर्मल मीटिंग्स में पहन सकते हो, लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग एनी आउटफिट रिलेटेड टू फॉर्मल थिंग और इनफॉर्मल थिंग, यू कैन पेयर दोज इयरिंग्स विद दैट. एब्सोल्युटली मैंने ऐसे इयरिंग ऑर्डर किए हैं. और मैंने एक झुमके भी मंगाए हैं, एक दो आई गेस, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे. लेट मी शो यू. And the first package is this. I don't have scissor yaar, I have to use my hands. मैंने neck piece भी मंगाया है like oxidized jewelry में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ. और इनके साथ झुमका भी है, झुमका या झुमका. Guys सबसे पहले ये है जो लड़कियाँ पहनती नहीं हैं कुर्तों के साथ, and that looks really cool. तो मुझे भी चाहिए था तो मैंने ऐसा कुछ मंगाया. See, this is how it looks. ओके, इट्स रियली प्रिटी आई मस्ट से. इसका कलर यार काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑक्सीडाइज ही है बट शाइन कर रहा है काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये. आई लाइक इट. आई एम डेफिनेटली गोना कीप इट एंड इफ आई विल वेयर लाइक दिस, लाइक दिस. सो इट इज लुकिंग लाइक दिस. आई लव इट, दिस इज प्रिटी नाइस, आई लाइक इट. गाइज मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया. एज यू कैन सी द वीडियो ऑफ दिस, आई लाइक इट अलॉट. यू कैन सी एंड द चेन इज वेरी नाइस. सी द क्वालिटी ऑफ चेन, ओ माई गॉड इट्स रियली नाइस. मैं क्लेचर लगा लेती हूँ गाइज, क्योंकि मेरे को ज्वेलरी दिखानी है तो मेरे बाल आगे आ रहे हैं फेस पे. इसके साथ मुझे इयररिंग्स भी मिली हैं एंड आई थिंक ये इसी के साथ की हैं. इतनी क्यूट है ब्रो, ओ माई गॉड कितनी प्रिटी है ये. सी, मैं आपको वेयर करके दिखा देती हूँ, सो यू विल हैव एन आइडिया हाउ इट्स एक्चुअली लुकिंग. राइट, दिस इज हाउ इट्स लुकिंग एंड आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस, है ना. ऐसे भी अच्छा लग रहा है यार ये. मांग टीका टाइप का ना, ऐसे मांग ऐसे ही तो होता है मांग टीका, मुझे नहीं पता. छोटे छोटे प्यारे प्यारे झुमके भी बहुत ज़्यादा प्रीटी हैं. अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ इसी का, पार्ट टू.
इसी ही तरह सेम, बस ये जो इसका पेंडेंट है ना इसका डिजाइन अलग है। ये देखो ऐसा है, आपको कौन सा पसंद आया, ये वाला या पहले वाला, आप मुझे कमेंट में बताना ठीक है। ये रहे कुछ ऐसे, मुझे ज़्यादा ये वाला प्रिटी लगा मोर देन दिस, तो आई वुड प्रेफर दिस ओवर दिस। इसके झुमके देख लेते हैं, इस वाले के झुमके देख लेते हैं हम। ये है इसके झुमके, सी अब मुझे आप बताना कमेंट में आपको किसके झुमके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लाइक पहले मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों के झुमके कैसे हैं। ये सबसे ज़्यादा प्यारा ये वाला लग रहा है, ये वाला मे बी इट्स स्मॉल एंड यू नो क्यूट, दैट्स वाई ये भी अच्छा लग रहा है। Alright, next move forward to the next jewelry. I'm really excited for the jewelry. Jewelry is the thing which makes me, you know, enthusiastic. So let's open the second package. काफी basic झुमका है ये, ऐसे pattern में काफी झुमके मिलते हैं। ये देखो, ये रे मुझे बहुत ज़्यादा pretty लगे, काफी versatile है, किसी के साथ भी चल जाएंगे। मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। See, this is close up look. Guys, अच्छे लग रहे हैं ये, pretty हैं, cute हैं, काफ़ी अच्छे हैं, कंफर्टेबल है, यू नो हैवी भी नहीं है। तो लाइक दिस थिंग अबाउट दिस झुमका, ओ ये तो वही ईयर है जिनके बारे में मैं आपको बात कर रही थी आपसे, आपको ओ गॉड आई एम सो मैसी। छोटे से कार्ड में आपको इतनी सारी ईयर रिंग दिख रही होगी, मुझे सारी ईयर रिंग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है, आई मस्ट से स्पेशली आई वुड से दिस वन। देखो मैं बहुत सिंपल हूँ तो मुझे ये सिंपल वाली ज़्यादा पसंद आ रही है, मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। इट इज़ इन गोल्डन कलर एंड ये काफ़ी सिंपल है, आप इसे डेली वेयर कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, ये रही मेरी सेकेंड ईयर रिंग, मैं आपको क्लोजअप लुक दे देती हूँ एक बार। ये रही सेकेंड, ठीक है, और इसे आप गाइस किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो, लाइक पार्टी वियर ड्रेस है या कोई सी भी ड्रेस है, जैसे आप जीन्स और क्रॉप टॉप पहन रहे हो उसके साथ भी वेयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस है तो ये उसके साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। It is actually looking beautiful. It's cute. इसमें pearl है। तो आप picnic जा रहे हो या कोई भी like कुछ भी कर रहे हो, picnic पे cute सी dress पहन रहे हो तो आप ये wear कर सकते हो। It's really cute. काफ़ी party के लिए तो बहुत amazing रहेगी। जैसे आप कहा ना अभी black bodycon dress या कुछ भी, काफ़ी अच्छी लग रही है ये मुझे, काफ़ी अच्छी। You can see this nice. मतलब आपको एक कार्ड में इतनी सारी इयरिंग मिल रही हैं कि आप पार्टी में भी वेयर कर सकते हो, कैजुअल गैदरिंग में भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली बाहर जा रहे हो सिंपल डेली वेयर उसके लिए भी वेयर कर सकते हो। आई थिंक इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट फॉर एवरीथिंग, पार्टी, कैजुअल एंड डेली वेयर। प्राइस आपको मेंशन हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है ये, एंड इतनी प्राइस में आपको इतनी सारी क्यूट क्यूट इयरिंग मिल रही हैं तो आई थिंक देर इज नथिंग रॉन्ग, तो आपको जरूर बाय करनी चाहिए। ऑलराइट गाइज, दिस वॉज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ माई वीडियो एंड आई होप यू गोना लाइक दिस वीडियो एंड माई प्रीवियस वीडियो एज वेल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड बी गुड विद एवरी वन। बाय बाय।